यानी कि जी कहने का मतलब ये हुआ कि लाउड स्पीकर की जी जो आवाज है उसको रिड्यूस करने से और जो फालतू जी की बकवासें जो चलती थी उनको पूरी तरीके से खत्म करने से इस्लाम खतरे में जी नहीं आया, खास करके जी सऊदी अरब का इस्लाम खतरे में नहीं आया। तो इस्लाम कहाँ का खतरे में आता है? भारतवर्ष का। जी आप ये देखिए कि भारत के मुसलमानों का दोगलापन उस टाइम पे बहुत जी ज्यादा उफान मारता है, जिस समय पर जी जिन मुस्लिम देशों की बड़ाई करते भारतीय मुसलमान नहीं थकते, उन्हीं मुस्लिम देशों में जब कोई कानून आता है इस्लाम के सुधार के लिए, उसी को जब रिफॉर्म करने की कोशिश भारतवर्ष में की जाती है, क्योंकि भारतवर्ष में दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन कई सारे मुस्लिम देशों की पॉपुलेशन के बराबर अकेले भारतवर्ष में पॉपुलेशन है। अगर उसको रिफॉर्म भारत में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई? पाकिस्तान से ज्यादा जी मुसलमान तो अपने देश में है। रिफॉर्म जी करने की जब कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है, तो यहाँ के मुसलमानों का जो दोगलापन है वो उफान जी मारता है और इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ गया, बवंडर उठा देता है। जी आज आप देखोगे 22 से अधिक देशों के अंदर हलाला, तीन तलाक, मुता निकाह बैन है, लेकिन जी जी भारतवर्ष में अगर ये कर दिया जाएगा तो यहाँ का मुसलमान का जो इस्लाम है वो पूरी तरीके से जी खतरे में आ जाएगा। बाहर के जी देशों में लाउड स्पीकर प्रतिबंधित भी है और उसकी जो जी वॉइस है वो बहुत डिम है, जी यहां भारत में कर दिया जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। जी फ्रांस के अंदर इन लोगों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है धीरे धीरे। और अब तो जी वहां के लोग जैसे ही अजान अगर कहीं भी होती है तो सड़क पे जहां भी जी इकट्ठे होकर के उससे भी ज्यादा आवाज में नेशनल एंथम गाते हैं लोग। यही चीज मेरे भारतवर्ष में हो गई होती तो यहां पर जी इस्लाम खतरे में आ गया होता। वो लोग जो जी इस्लामिक देश है वो सभी के सभी जनसंख्या नियंत्रण पे बात कर रहे हैं क्योंकि स्रोत बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, वही चीज जी यहां पर हो जी जाएगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वो लोग मदरसों को खत्म करते जा रहे हैं और हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर वही जी चीज यहां पर हो जाएगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वहां पर जी अब बहुविवाह प्रथा को खत्म किया जा रहा है क्योंकि उन लोगों को पता है कि जनसंख्या इस प्रकार से नियंत्रित नहीं हो सकती है, यहां जी अगर यही चीज कर दी जाएगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। वहां वो लोग अब जी कह रहे हैं कि अब हमें प्रतीकात्मक बलियां देनी चाहिए, जी कुर्बानें देनी चाहिए, लेकिन जी यहां आप बकरे को काटने मना कर दीजिए, चॉकलेट का बकरा जी काटने को कह दीजिए, तो यहां इस्लाम खतरे में जी आ जाएगा। इस वजह से जी ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि बाहर देश के जी अंदर जो भी कुछ होता है, किसी जी भी इस्लामिक देश के अंदर जो भी कुछ होता है वो अपने जी हितों को देखते हुए उसको बैन करते हैं या शुरू करते हैं, लेकिन मेरे जी भारतवर्ष के अंदर ऐसा नहीं है। सऊदी जी अरब ने हज को पूर्ण रूपेण बंद कर दिया और 2 साल हो जी चुके हैं बंद है, लेकिन मेरे जी भारतवर्ष के अंदर अभी भी हुजूम जुटा करके मस्जिदों के अंदर नमाजें हो रही हैं, वहां पे बड़ी बड़ी तकरीरें हो रही हैं, क्योंकि अगर उसके ऊपर किसी ने मना कर दिया तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस वजह से भारत के हिंदुओं को ये बात समझनी पड़ेगी, भारत की सरकारों को ये बात समझनी पड़ेगी, प्रशासन को ये बात समझनी पड़ेगी कि इतनी बड़ी जी जनसंख्या है और उस जी जनसंख्या के जो नियम है आज भी, क्योंकि 1400 साल पुराने हैं, उनकी सोच जी वहीं पर पड़ी हुई है, जमाना जी अब बहुत आगे 21वीं सदी में है, इस वजह जी से अब इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता थी। जी पर आई थिंक एक तो सोता हुआ हिंदू और बहुत ज्यादा जो सूडो सेकुलर्स हैं और जो एक्स्ट्रा प्रो सेकुलर्स हैं, इन लोगों के जी चलते मुझे नहीं लगता कि भारत में इस तरीके के सुधार बहुत जल्दी होने वाले हैं। जी चलते चलते आपसे बस ये पूछना चाहेंगे, आपने बोला कि 1400 साल पुरानी परंपरा, तो हम जानना चाहते हैं कि 1400 साल पहले लाउड स्पीकर था या नहीं था, जनता जानना चाहती है। देखिए हाँ, 1400 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं थे, और जी यही नहीं, एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद खुद कहते हैं कि किसी की जी आवाज से अपनी आवाज को ऊंची करके प्रार्थना करना ये सही जी बात नहीं है, इसको उन्होंने जी हराम बताया है। और उन्होंने कहा है कि जी दूसरे लोग भी यदि मन में जी प्रार्थना कर रहे हैं तो वो ज्यादा जी अच्छी है, लेकिन वो जी कहा ना कि नवे नवे नमाजी बोरियो के तहमद, नवा नवा मुल्ला जी ज्यादा ज्यादा अल्लाह करता है। भारत के जी जो मुसलमान है ये नए नए मुल्ला हैं, ये ज्यादा जी अल्लाह अल्लाह करके दिखाएंगे, और सऊदी अरब के जी लोग भी यही कहते हैं कि ये यहाँ जी आने के बाद में ज्यादा अल्लाह अल्लाह करते हैं, इतने तो जो जी नॉर्मल है, जो स्वयं जो उनके खुद के प्रतिनिधि या उनके वंशज कहलाने वाले लोग, जो जी उन लोगों की खुद की ब्रीड है, वो इतना अल्लाह अल्लाह नहीं करती जी है। तो जी ज्यादा हल्ला इसी वजह से ये लोग करते हैं क्योंकि ये लोग अभी
कन्वर्टेड हुए हैं, अभी फिलहाल जी ही नए नए ही बने हैं, तो बोरियो के जी तहमन तो जी पहनेंगे ही। जी 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 और बिल्कुल। ये बात हाईकोर्ट और भी कह चुका है कि जी लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उस समय जी पर जी लाउड स्पीकर नहीं था। अच्छा ये ही छोड़ दीजिए, ये सोशल मीडिया भी हमें गाली देते हैं बहुत लोग, हम कहते हैं तो जी मोबाइल तो हराम है, ये मोबाइल हाँ, ये हराम बात है, तो है, कमेंट करना हराम है, ये सेल्फी बात तो लेना है जी हराम है, टिकटॉक बनाना हराम है, बोलना ही हराम है। जी तो जी जी ये तो हम काफिरों के लिए है, क्योंकि ये जो स्क्रीन है, ये मोबाइल है, ये इंटरनेट है, शैतान है ये। तो शैतान में क्यों घुस रहे हो भाई फालतू में ही? तो ये भी जी तो हराम था, जी ये भी उस टाइम पे नहीं था। तो ये एक्चुअली मैंने कहा ना, चेरी पिकिंग होती है, इनका दोगलापन होता है, जहां इनको करना जी होता है वहां करते हैं, जहां नहीं करना होता है वहां नहीं करते हैं, और बहुत जी दोगले हो चुके हैं लोग। जी 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 अंकुर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इन सब बातों पर प्रकाश डाला। आशा है कि इस प्रकाश से कुछ सोए हुए लोगों की नींद खुलेगी।